साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। आपको बता दें कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सैफगंज सामुदायिक भवन में रविवार को यूनिसेफ, CCHT बिहार, जागरण, कल्याण भारती और आदर्श कृषक हित समूह मुसहरी के जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए सामुदायिक स्तर के ढांचे और प्रणाली को मजबूत करने को लेकर एक दिवसीय पंचायती स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता बाल संरक्षण समिति के पंचायत अध्यक्ष सैफगंज के मुखिया दिलीप पासवान के द्वारा किया गया। सचिव सदानंद मेहता ने बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी पर विस्तार से चर्चा की। इस कार्यशाला में आदर्श कृषक हित समूह के अध्यक्ष दिलीप कुमार मेहता, सचिव सदानंद मेहता, मुखिया दिलीप पासवान, सरपंच रामानंद पासवान, प्रदीप यादव, अजय ठाकुर सहित पंचायत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। MK न्यूज इंडिया के लिए फारबिसगंज अररिया से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत राज साहिबगंज में बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया जिसमें बाल श्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी को रोकने के लिए यह समिति का गठन हुआ है जिसमें हमारे सभी सदस्य और पंचायत के जो भी सदस्य हैं सभी इस पर सहयोग करके इसे रोका जा सकता है और इसमें सभी का भागीदार हो यही आशा करते हैं। साहिबगंज पंचायत में पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठन करने के लिए यहाँ आया और आज यहाँ हमारे बीच मुखिया जी, सरपंच जी, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण सभी उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से पंचायत बाल संरक्षण समिति साहिबगंज का गठन हुआ। और इस संगठन का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में बच्चों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों की जो समस्याएं हैं उनके हल के लिए, उसके निराकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए इस समिति के द्वारा काम किया जाए। ये समिति अन्य काम के अलावे इसको हमारे पंचायत प्रतिनिधि तरजीह देंगे और बच्चे की जो समस्या हमारे समाज में है, बाल विवाह है, बाल श्रम है, ये कोविड की समस्या है, जितने स्कूल ड्रॉप की समस्या है, जितनी भी समस्याएं हैं हमारे समाज में बच्चों की, उसके निराकरण में ये हमारी समिति महती कदम उठाएगी और अच्छा काम करेगी और बच्चों का विकास होगा। आज सैफगंज के पंचायत में बाल संरक्षण समिति का गठन हुआ। मैं इससे काफ़ी प्रेरित हूँ। मैं सहरवान हूँ। आज यह संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी शादी 21 वर्ष के बाद तथा बिना दहेज के करूँगी और तथा BA पास करने के बाद करूँगी। मैं और भी लड़कियों को यह सारी बात बताऊँगी जो मैं आज सीखी और सभी को प्रेरित करूँगी। कोशी हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल के सामने आरा मिल रोड प्रतापगंज सुपौल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 20 बेड की सुविधा के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली, पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी, किडनी स्टोन, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया का ऑपरेशन कुशल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ नवजात शिशु के लिए NICU यानी शीशे में रखने की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ अस्पताल से 12 किलोमीटर तक के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस की फ्री सुविधा दी जाती है। आज ही संपर्क करें। नंबर है 7549279409 और 9546150746।